गए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो एमबीए जनरल प्रोवाइड करता है, जो 60 सीट है। अभी इसका एप्लीकेशन डेट एक्सटेंशन हुआ है, जो 31 जनवरी तक है। अभी लगभग आज तो 7 को हो गया, अराउंड 23-24 डे अराउंड बचा है। आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है, आप अप्लाई नहीं किया था, अभी अप्लाई कर सकते हो। जो जनरल जनरल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फीस 600 है, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 550, वही है अकॉर्डिंगली जो भी है कैटेगरी के हिसाब से। तो आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल कट ऑफ जाएगा 50% से ऊपर, एंड कैटेगरी 50% से नीचे होगा तो हो जाएगा। डिपेंड करता है, देखिए किस साल में ज़्यादा चल जाता है, किस साल में कम चल जाता है। आप अप्लाई करिए ना, जितना भी आपका गेट परसेंटाइल अभी आया है, आप अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपका अच्छा परसेंटाइल, गेट का परसेंटाइल नहीं आया, तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करिएगा। अब तो 2-6-7 लाख तो देगा ही देगा। यहाँ पर 600 एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए इतना डर रहे हो, तो आप अप्लाई प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ाई करेगा। दूसरा बात वही है, एंड दूसरा बात वो है, हमारा यह यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का प्लेसमेंट होता है 5 लाख से अराउंड टच हो जाता है 10 लाख तक, 10-12 लाख तक होता है। एंड कोर्स फ्री की बात करूँगा, 2 लाख में हो जाता है। 2 लाख में आपका, एंड एक स्कॉलरशिप रहता है, जो स्कॉलरशिप रहता है नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप, जिसमें 60,000 मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 30,000, 60,000 मिल जाएगा। एंड हमारा यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप रहता है मंथली 1,000 का, वही है। जो एडमिशन फी रहता है पर सेमेस्टर 50,000, वही है। प्लेसमेंट भी बोल दिया, हॉस्टल का देखिए, हॉस्टल ऐसे जैसे रूम मेरा दिख रहे ऐसे वाला रूम मिलेगा। दो 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 लोग रह सकता है, शेयरिंग रहता है, वही बात है। एंड तीसरा है फूड का, थोड़ा साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन मिलके जैसे बनाते हैं, फूड अच्छा है, चलेगा, मतलब इतना बुरा नहीं है। हाँ तो वही बात है। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हो, अभी तो डेट एक्सटेंशन हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हो। दासुजीत कुमार गिरी माई इंस्टाग्राम आईडी, वही है। थैंक यू सो मच। या